दोस्तों ट्रूक ने अभी अंडर 1000 में एक लेटेस्ट ईयरबड्स को लॉन्च किया है, ट्रूक बर्ड्स Q1 लाइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेटेड कमेंट्स किए थे, तो आज के वीडियो में इसको डिटेल में रिव्यू करेंगे, इसकी एग्जैक्ट ऑडियो भी आपको सुनाऊंगा, साथ ही बाकी सभी फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। वैसे इसकी लॉन्चिंग प्राइस 900 रुपए है, आगे चलकर 1000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या 1000 रुपए की अपनी प्राइस क्यों जस्टिफाई करते हैं और क्या इसको इस प्राइस में परचेस करना चाहिए, तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते इसके क्विक अनबॉक्सिंग से। कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले मिलती है इसकी केस, उसके बाद एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग केबल, दो एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और इसका वारंटी कार्ड। अब बात करते हैं इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन में दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको एक गोल्डन क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलेगी जो इसके लुक्स को और भी इन्हांस करती है। काफी कॉम्पैक्ट और लाइटवेट इसका डिजाइन है, पॉकेट वगैरह में इजीली कैरी कर सकते हो। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अगर बात करें ईयरबड्स की तो इसमें भी आपको ड्यूअल टोन क्रोम फिनिश मिलेगी, दिखने में ये भी काफी प्रीमियम लगते हैं। साथ ही लाइटवेट होने की वजह से सिक्योरली फिट हो जाते हैं, रनिंग और जिम वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हो। ओवरऑल लुकिंग वाइज प्राइस के हिसाब से काफी प्रीमियम लगते हैं, साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट है, तो यहाँ पर मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं लगा। अब एक बार इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। ये थे 12.4 mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.4, क्वाड माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, OS रेजिस्टेंट IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 40 ms लो लेटेंसी, टच कंट्रोल, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज 100 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 48 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। अगेन प्राइस के हिसाब से फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। सबसे मेन इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से लेटेंसी भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा बैटरी लाइफ भी अच्छी है, तो ओवरऑल फीचर्स वाइज भी एक बेस्ट ईयरबड्स है। अब बात करते हैं इसकी माइक क्वालिटी की। तो सबसे पहले इसकी माइक्रोफोन की ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आप सुन रहे हो ट्रूक की ईयरबड्स इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप इसमें आपको मिलेगा जो अंडर 1000 की ईयरबड्स में मिलना काफी मुश्किल है। इंडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी काफी बेटर है, वहां पर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। आउटडोर्स में भी ठीक ठाक वर्क करते हैं, उतने परफेक्ट नहीं है लेकिन नॉर्मल कॉलिंग के लिए आपका काम चल जाएगा, तो ओवरऑल कॉलिंग के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस और लेटेंसी की। तो एक बार इसके गेमिंग टेस्ट को देख लो, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 40 ms की लेटेंसी इसमें क्लेम की गई है, लगभग उतनी ही लेटेंसी इसमें आपको मिल जाएगी। देखो लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन होने का यही फायदा है कि इसमें आपको लेटेंसी काफी कम मिलेगी। गेमिंग के लिए एक डिसेंट ईयरबड्स है, साथ ही मूवीज और वीडियोस को देखते समय आपको ज्यादा डिले फील नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके मेन साउंड क्वालिटी की। सबसे पहले इसके सभी ऑडियो टेस्ट को सुन लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो ये थी इसके एक्चुअल साउंड टेस्ट। आपको इसके ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं वोकल्स की। तो वोकल्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, ट्रूक ने इस प्राइस में भी अच्छा काम किया है। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था, ट्रबल्स भी डिसेंट है लेकिन बेस इसमें आपको अच्छा खासा सुनने को मिलेगा। सराउंडिंग बेस इफेक्ट आपको इसमें सुनाई देंगे, उतने पंची नहीं है फिर भी अच्छा खासा लाउडनेस इसमें आपको मिल जाएगा। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ऑडियो क्वालिटी भी डिसेंट है, यहाँ पर भी मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं लगा। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो 900 रुपए इसकी लॉन्चिंग प्राइस है, उसके बाद 1000 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे। वैसे सेल वगैरह में आपको और भी कम प्राइस में मिल सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है, माइक क्वालिटी अच्छी है, बैटरी लाइफ में भी मुझे ज्यादा इशू नहीं लगा और गेमिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, तो इस प्राइस में एक अच्छी डील है, डेफिनेटली मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड रहेंगे। वैसे इनकी बेस्ट बैलेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। तो ये थे ट्रूक बर्ड्स Q1 लाइट। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।